डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए चलते हैं। हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं, हम लोग 10th क्लास में जो साइंस में अभी पढ़ रहे हैं, वो एक नया फिजिक्स के चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जिसमें मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को आज हम लोग स्टॉप करते हैं। इसके लिए कुछ वजह है। वजह ये हुआ कि हम लोग जैसे ही इसके पीछे जो बायो का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम था जैव प्रक्रम, क्या नाम था उसका, जैव प्रक्रम, तो दोस्तों गलती से हुआ क्या कि जैव प्रक्रम के जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं, वो कुछ क्वेश्चन बीच में भी होते हैं और एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद पीछे का जो क्वेश्चन होता है अभ्यास का प्रश्न, तो हुआ क्या कि अभ्यास का प्रश्न हम डायरेक्टली स्टार्ट कर दिए उसका क्वेश्चन आंसर। उसके पहले एक प्रश्न जो बीच में रहता है, बुक के बीच में जो प्रश्न रहता है, वो हम लोगों को छूट गया है। उसमें 3 क्वेश्चन था, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे आज करने वाले हैं आज के क्लास में, कि जो छूटा हुआ चीज़ है उसको हम लोग आज कंप्लीट ही कर देते हैं, है ना। तो मानव नेत्र को तो ऐसे हम स्टार्ट कर दिए हैं, तो जो जहाँ तक के पिछले क्लास में छोड़े हुए हैं वो हम अगले क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग करेंगे वो जैव प्रक्रम के छूटा हुआ क्वेश्चन, यानी कि जो बीच का प्रश्न होता है, आप देख लीजिएगा कौन सा प्रश्न छूटा हुआ है, अभ्यास वाला हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। अभ्यास के जस्ट पीछे, शायद एक पेज पीछे हम लोगों का वो क्वेश्चन है, प्रश्न है, और उस प्रश्न को हम लोग आज करेंगे। तो लिखा जाए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ब्रिकानो नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ब्रिकानो ब्रैकेट में नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रिकानु का रचना करना है। ब्रिकानु का रचना आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि फिगर में ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे करके फिगर में दिया हुआ है ब्रिकानु का, ठीक है। ब्रिकानु का फिगर दिया हुआ है। अब ये ब्रिकानु का फिगर हम लोगों को लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, ब्रिकानु की रचना। ब्रिक अलग है, ब्रिकानु अलग है, तो ब्रिकानु एक अलग से फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका आप पहले फिगर बना लीजिएगा, फिगर के नीचे उसका लिखेंगे, यानी कि इसमें बोल रहा है कि ब्रिकानु, ब्रिकानु को हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि नेफ्रॉन का रचना बनाइए और उसका क्रिया विधि को भी बताना है, ठीक है। तो पहले रचना का मतलब उसका फिगर बना लीजिए और क्रिया विधि में उसके नीचे लिखेंगे, जिससे फिगर बना लिए, फिगर के नीचे लिखा जाए ब्रिकानु कॉमा ब्रिक की संरचनात्मक इकाई है। ब्रिकानु ब्रिक की संरचनात्मक इकाई है। पूर्ण विराम, यह रुधिर मतलब खून, ब्लड, यह रुधिर को ब्रिक धमनी द्वारा, ब्रिक धमनी द्वारा बोमेन संपुट ब्रिक धमनी द्वारा बोमेन संपुट के कोशिका गुच्छ में लाया जाता है, में लाया जाता है। पूर्ण विराम, जहां उसे छाना जाता है, जहां उसे छाना जाता है। पूर्ण विराम, यह शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ को अवशोषित करके
अवशोषित करके अपशिष्ट पदार्थ ब्रैकेट में यूरिया तथा पानी को मूत्राशय में एकत्रित करता है चलिए हम लोग अभी क्या लिखें। क्वेश्चन क्या था कि आप पहले नेफ्रॉन यानी कि ब्रिकाणु का फिगर बना लीजिए और ब्रिकाणु का ही एक भाग यहाँ पाया जाता है बोमेन संपुट। जब आप फिगर बनाइएगा ना तो क्लियर हो जाएगा बोमेन संपुट। अब सबसे पहले जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ लाया जाता है, वो बोमेन संपुट के द्वारा कोशिका गुच्छ में लाया जाता है। ठीक है, बोमेन संपुट जो है कोशिका गुच्छ में लाता है, कोशिका गुच्छ भी ब्रिकाणु का एक भाग है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें हम लोग खाते पीते हैं उससे जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, पानी हो गया, तो ये सब जो है खराब पदार्थों को छानने का काम करता है यानी कि उससे बिल्कुल फिल्टर करता है। और फिल्टर करते करते हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ जिसको हम लोग यूरिया कह रहे हैं ये मूत्राशय में जमा हो जाता है मूत्र के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि मेन रोल है ब्रिक में ब्रिकाणु का ही। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोगों का इसका क्रियाविधि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर टू लिखा जाए। क्वेश्चन है उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। उत्सर्जी उत्पाद का मतलब कौन सी, जैसे हम लोग उत्सर्जन पढ़ रहे थे ना, मानव में उत्सर्जन जैसे होता है, मानव में उत्सर्जन का मतलब कौन सी, जो हम लोग खाते पीते हैं और टॉयलेट के फॉर्म में जो बाहर होता है, वही नहीं, हम लोगों के शरीर से जो पसीना निकलता है वो भी कहीं ना कहीं उत्सर्जन ही हुआ, यानी कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जो हमारा बाल बढ़ता है, हमारा नाखून बढ़ता है, ये सभी के सभी आप समझिए कि अपशिष्ट पदार्थ है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए हमारे शरीर से ये सब जो बाहर निकलता है तो ये समझिए कि अपशिष्ट पदार्थ है। उसी तरीके से पेड़ पौधों में उत्सर्जी उत्पाद के कारण क्या क्या होता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियां पीला होकर गिरने लगती है ना। और दूसरी बात कि जब पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी से जब जल सोखती है तो पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होता है। तो ये इस प्रकार उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पौधे भी अपना उपयोग करते हैं। कौन कौन से, तो लिखा जाए उत्तर, दूसरा का उत्तर लिखेंगे, पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिससे पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, इसके अलावा पूर्ण विराम देकर, इसके अलावा पौधे अपने पत्तियों को भी गिरा देते हैं, जिससे अपशिष्ट पदार्थ पौधों से अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
सवाल यही था कि उत्सर्जी उत्पाद को पौधे किन किन विधियों का उपयोग करके उसको अलग कर पाते हैं। तो पहला, इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल अगर पेड़ पौधों में रहेगा वो सूख जाए, ठीक है। और दूसरा कि ये अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, तो ये भी एक अपशिष्ट पदार्थ को हटाते हैं पौधे। फिर लिखा जाए थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर लिखा जाए, मनुष्य द्वारा पिया जाने वाला पानी वह शरीर द्वारा तीसरा नंबर का हम डायरेक्ट आंसर ही बोलने लगे थे। तीसरा नंबर का पहले क्वेश्चन क्वेश्चन है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? यानी सवाल बोला जा रहा है कि मूत्र किस प्रकार बनता है, ठीक है, उसके प्रोसेस क्या है उसको समझाइए, ठीक है। चलिए इसका आंसर लिखा जाए, मनुष्य द्वारा पिया जाने वाला पानी वह शरीर द्वारा अवशोषण पर मूत्र की मात्रा निर्भर करती है पूर्ण विराम, कम पानी पीने पर मूत्र की मात्रा कम होती है जो कुछ हार्मोन इसे अपने नियंत्रण में रखते हैं चलिए बोला जा रहा है कि आखिर मूत्र का नियमन कैसे होता है, मूत्र आखिर कहाँ से बनता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखें कि अगर पानी आप ज़्यादा पीते हैं तो आपका मूत्र जो है मूत्राशय में ज़्यादा बनेगा, ठीक है, और जो पानी कम पीता है उसकी मूत्र की मात्रा कम बनती है मूत्राशय में। जो अपने आप को एक कंट्रोल करता है उसके लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं। अब हार्मोन क्या है, ये हार्मोन को समझने के लिए बायोलॉजी के अगले दूसरे चैप्टर नंबर तक के हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बायोलॉजी में ही आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। लेकिन अभी हम लोग याद रख लीजिए कि कुछ हार्मोन होती है जो इस मात्रा को, मूत्र की मात्रा को क्या करती है, कंट्रोल में रखती है, नियंत्रण में रखती है। तो दोस्तों ये तीन क्वेश्चन हम लोगों को छूट गया था गलती से ध्यान नहीं दिए थे, तो आप इन तीनों क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ था हम लोगों का। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम लोग अगले क्लास में वही फिजिक्स की क्लासेस होंगी जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र के बारे में हम लोग ने कुछ पॉइंट्स लिखा भी, फिगर भी बनाने के लिए बोले, तो आगे के पॉइंट्स को हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।